Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to a new vlog. ये सूजा पूजा मुँह आपको नज़र आ रहा होगा. मैं जस्ट वोकअप, 11 बज रहे हैं. आसिम का नाश्ता बनाने लगी हूँ और अपना भी. अगर मैं आसिम के साथ नाश्ता ना करूँ फिर मैं पूरा दिन नहीं करती, तो मैं साथ ही आसिम के नाश्ता कर लूँगी. इवन दो मेरा बिल्कुल दिल नहीं है नाश्ता करने का, लेकिन जब खाना शुरू करूँगी तो खुद ही दिल खुल जाएगा, तो नाश्ता बनाते हैं. आज बहुत टाइम के बाद आसिम लंच लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें आलू हैं, इसमें फ्रूट है, ये इसमें वाटरमेलन और मस्क मेलन है. तो आज का इनका लंच सॉर्टेड है. तो आसिम को भी मैंने नाश्ता करवा दिया, खुद भी कर लिया. आसिम की शर्ट प्रेस की है, यूनिफॉर्म की, और लंच प्रिपेयर किया है. इंशाल को भी नहीं करवाया, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर इंशाल को नाश्ता करवाऊँगी. तो अभी मैंने इसको अपने साथ ही थोड़ा बहुत पराठा कीमा एज अ स्टार्टर दे दिए. अब थोड़ा सा गैप करके फिर मैं इसको नाश्ता दूंगी. तो रात को ग्रॉसरी समेटते समेटते मुझे 3 बज गए थे, ना ही पूछें क्या हाल हुआ है. तो मैंने फ्रिज भी साफ़ करना था. फ्रिज में जो अक्सर सालन रह जाते हैं वो कोई खाता नहीं है, वो भी निकालने थे. कुछ बर्तन धोने थे और ये सारा काम करते करते मुझे 3 बज गए. और चिकन मैंने फिर नहीं धोया, मेरे पाँव दुख रहे थे क्योंकि मॉल में भी मैं काफ़ी चली थी, फिर घर आके भी नॉन स्टॉप काम, तो मैं बहुत थक गई थी. तो वो कुछ पेंडिंग काम मैंने आज करने हैं, तो वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं अपनी ग्रॉसरी किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ. तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ. ये मैंने हल्दी भी रीफिल कर ली है, नमक भी कर लिया है, लाल मिर्च भी कर ली है, और पत्ती मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको मैं बाद में रीफ़िल करूँगी. उसको मैं संभाल लूँगी, जब तक ये फिनिश नहीं होगी तब तक मैं इसमें नहीं डालूँगी. ये हो गए बेसिक मसाले जो डेली यूज़ होते हैं, और ये भी मेरा एक मसालों का जार है. इसके अंदर भी तकरीबन डेली यूज़ वाले ही मसाले हैं. ज़ीरा है, कलौंजी है, बड़ी इलायची, और ये तकरीबन लाइक लूज़ गर्म मसाला जो है, खड़ा गर्म मसाला वो है. दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्चें, इसके अंदर लौंग वगैरह, ये इस टाइप का सामान है. इसके अंदर अनारदाना है, ये धनिया पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, ये काली मिर्च है. ये दोनों चीज़ें मैंने रीफ़िल नहीं की क्योंकि ये कम ही यूज़ होती हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं है रीफ़िल करने की. ये पहले ही फिनिश नहीं हुई. तो कुछ उसके अलावा ये सेसमी सीड्स भी हैं मेरे पास, ये भी मैं लाई थी. वैसे मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया, हमें मैंने ले लिया. मैंने कहा चलो घर में हर चीज़ होनी चाहिए, अब किसी दिन चाइनीज़ बनाऊंगी तो फिर मैं ये यूज़ करूंगी. और इस डब्बे के अंदर, ये फ्रूट टिन वाला डब्बा, इसके अंदर मैंने वो डाली हुई है अजवाइन, तो ये भी कम यूज़ होती है. तो ये आगे मैंने नहीं रखी हुई, ये पीछे पीछे रखी हुई है. तो फ़िलहाल जो बेसिक मसाले हैं ना, वो नमक मिर्च हल्दी और ये हैं. ये डब्बे मेरे रोज़ खुलते हैं, तो इन्हीं को मैंने रीफ़िल किया है फ़िलहाल. तो ये कसूरी मेथी भी मैंने रीफ़िल कर ली है. ऐसी चीज़ें कम यूज़ होती हैं तो ये काफ़ी अरसे तक चल जाती है. ये कितना बड़ा पैक था जिसको मैंने दबा दबा के इस बॉटल में फ़िक्स किया है. बस अब मेरे पास जार्स नहीं थे, तो मैंने ये ऑलिव वाले जार में इसको रखा है. तो फ्रूट भी मैं इस तरह के कंटेनर्स में रखती हूँ, ये मेरे पास डिस्पोजिबल पड़े हुए थे. तो जब तक ये ख़त्म नहीं होते तो मैं इनको यूज़ करती हूँ. तो अब जितना हमने खाना था खा लिया, बाकी जो बच गया उसको मैं एज़ इट इज़ फ्रिज में रखने के बजाय मैं काट के इन बॉक्सेस में रख दिए. इससे स्पेस भी बच जाती है और इससे ना ये फ्रेश रहेंगे. तो ये हो गए. इसके अलावा मैंने कुछ गार्लिक ऐसे ही कंटेनर में रखती है क्योंकि किसी चीज़ में फ्रेश यूज़ होता है, तो जब चाहिए होगा थोड़ा सा चॉप कर लिया, क्रश करके यूज़ कर लिया. और कुछ गार्लिक की मैंने पेस्ट बना ली है. तो ये गार्लिक हो गया. ये हरी मिर्चें हैं, जितनी अभी मेरे पास थी वो मैंने इसमें रख दी हैं, क्योंकि जब शॉपर में या ऐसे ही रख दो तो ये गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं. तो
तो ये फ़िलहाल मैंने ऐसे डब्बे में डाल के रखी हुई हैं और अभी और फ्रेश लेके आऊँगी तो उसको रीफिल करती रहूँगी। और ये धनिया भी अभी मेरे पास जितना था वो मैंने काट के स्टोर कर लिया, क्योंकि धनिया ख़राब हो जाता है। तो वैसे तो जब भी सब्ज़ी आती है तो फ्रेश आता है, तो जितना मेरे पास पड़ा हुआ था ना वो मैंने इस कंटेनर में स्टोर कर लिया। ये दिखने में तो काफ़ी छोटा लगता है कंटेनर, लेकिन इसके अंदर काफ़ी क्वान्टिटी में धनिया स्टोर हुआ है। ये अच्छी खासी क्वान्टिटी थी धनिया की, वो लग ऐसे रहा है कि बहुत थोड़ा है, बट जितना भी मेरे पास था अभी मैंने इसको स्टोर कर लिया। जब यूज़ करना होगा थोड़ा थोड़ा हांडी में डाल दूँगी, दो दफ़ा तो ये यूज़ हो जाएगा, दो या तीन दफ़ा। ये हमारे प्याज ना ये ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं किसी के शादी के जोड़े वाली थाल है। वैसे एक्चुअली शायद ये वही थी, बट मैं इसको प्याज के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके अंदर प्याज है, ये हमारे टमाटर हैं, कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं टमाटर और कुछ मैंने इस टोकरी में ऐसे रख लिए हैं, क्योंकि मुझे वैसे ना पर्सनली टमाटर फ्रेश यूज़ करना पसंद है, बस मजबूरी में कुछ फ्रीज़ करने पड़ते हैं क्योंकि इनको फंगस लग जाती है फ्रिज में भी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फ़्रेश यूज़ करूँ जब तक फ़्रेश यूज़ हो सकते हैं, नीचे नीचे तो अक्सर ख़राब ही हो जाते हैं। तो ये चिकन मैंने धो लिए अच्छी तरह से, चर्बी वगैरह जितनी उतारनी थी जितना वॉश करना था अच्छे से कर लिए। और कुछ पैकेट्स मैंने पहले से बनाए हुए हैं, क्योंकि यह चिकन हम पहले लेके आए थे, ये फिर बाद में हाइपर स्टार से लिया, तो अभी फ़िलहाल कुछ यूज़ हो गया ये। बाकी ये तीन पैकेट्स हैं और बोनलेस मैंने इसमें डाला हुआ है, क्योंकि किसी किसी चीज़ में लाइक समटाइम्स मैं वो एक मखमली हांडी बनाती हूँ तो उसमें मैं बोनलेस चिकन ही यूज़ करती हूँ, तो वो फिर मुझे शॉपरों में ढूंढने में मसला नहीं होता, तो वो मैंने इस बॉक्स में रखा हुआ है। और शायद मैं चाइनीज़ बनाऊँ तो अभी मैं इसमें से भी बोनलेस अलग कर लूँगी, आज नहीं बनाऊँगी, जिस दिन आसिम घर होंगे तब बनाऊँगी। तो इस तरह मुझे ईज़िली मिल जाता है फ्रीज़र में से कि बोनलेस चिकन कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो चिकन के अलावा फ्रोज़न आइटम्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये चंक्स हैं, ये लेफ़्ट ओवर पैकेट है, आधा यूज़ हो गया आधा रह गया, इसको भी रीस्टॉक करना है हमने फ़िलहाल, अभी ये इतना सा पड़ा हुआ है। ये चपली कबाब हैं, ये पैकेट बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आपने यूज़ नहीं किया कभी तो ये लेकर आएँ, कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। और कभी आपने कोई सालन वगैरह ना बनाया हो, ना दिल कर रहा हो, तो ये निकाल के फ्राई किया और रोटी के साथ खा लिया तो बहुत मज़े का होता है। इसके अंदर 12 पीस होते हैं, ये लाते लाते मेरे से फट गया। और ये कोफ्तों का पैक है, इसके अंदर भी 30-32 कोफ्ते होते हैं, ये इम्तियाज़ से मिलते हैं, आप लोग इम्तियाज़ से ये ले सकते हैं। और ये मटर भी लेफ़्ट ओवर पड़े हैं मेरे पास, हम ओपा के मटर यूज़ करते हैं तो थोड़े से इसमें से मैंने यूज़ किए हैं, काफ़ी मटर भी पड़े हैं, लेकिन एक और पैकेट इसका आएगा। ये भी समटाइम्स चावलों में यूज़ हो जाते हैं या किसी और चीज़ में, सब्ज़ी वगैरह में भी यूज़ हो जाते हैं। तो ये मटर हैं और ये सीख कबाब भी लेफ़्ट ओवर हैं, कुछ इसमें हैं और कुछ इसमें हैं, तो ये भी आएंगे, इसको भी रीस्टॉक हमने करना है, जब कीमा वगैरह लाएंगे तो उसको भी रीस्टॉक कर लेंगे। तो आई थिंक बस फ्रोज़न चीज़ों में चंक्स, सीख कबाब और कीमा और आएगा और मटर, बस ये चीज़ें और आने वाली रह गई हैं। तो ये मेरे पास रमज़ान का लेफ़्ट ओवर बेसन है, एज़ यू ऑल नो कि मैं बहुत कम पकोड़े बनाती हूँ, रमज़ान में भी मैंने कम ही बनाया, और नॉर्मल रूटीन में तो वैसे ही नहीं बनते, कभी कोई आ जाए बनाने पड़ जाए कुछ और ना हो तो तब ये काम आ जाता है। तो अभी मेरे पास ये भी है बेसन, तो मैं इसको इसमें डालती हूँ और इसको भी रीफ़िल कर लेती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन कढ़ी बनाऊँ तो फिर ये काम आएगा। तो ये बेसन भी रीफ़िल हो गया। तो ये मेरे पास मैदा है, इसको भी इस कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेते हैं, मैदा भी अच्छी तरह से रीफिल हो गया। तो ये आलू और गोभी भी रह गए हैं, गोभी जो है वो कल बना लूँगी मैं, और आलू अभी मैं एक टोकरी में डाल के रख लेती हूँ। वैसे मैंने वो 3 लेयर्स वाली टोकरी लेनी है जिसमें प्याज आलू वगैरह रख सकते हैं, तो वो मैं लूँगी तो फिर तो आसानी हो जाएगी, फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो इसको मैं फ़िलहाल छोटी टोकरी में स्टोर कर लेती हूँ। ये चावल इम्तियाज से लिए थे, ये 5 किलो वाला पैक है, और मुझे अभी चावल वाली बाल्टी नहीं मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, तो इसको भी फ़िलहाल मैं एज़ इट इज़ अलमारी में रख दूँगी। तो ये इंशाल का दलिया ये बस ख़त्म होने वाला है, तो फिर ये दोबारा से रीस्टॉक होगा। सूजी ये भी है, ये भी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है,
ये ज़रूरत नहीं है। साबूदाना ये भी थोड़ा है, ये भी हम रीस्टॉक करेंगे आसिम की छुट्टी वाले दिन। तो ये डेली यूज़ होती हैं चीज़ें ये दोनों, तो इनको तो मैं नहीं किसी डब्बे शब्बे में रखती, सामने ही रखती हूँ। तो वो जो है उसको भी हम एज़ इट इज़ ही रख देंगे, क्योंकि अभी कंटेनर मेरे पास नहीं है। तो ये वाला खाना थोड़ा सा मेस बना हुआ है, बट इट्स ओके। अभी मेरे पास स्पेस भी कम है किचन में, सारे जो कैबिन्स हैं वो भरे हुए हैं। तो अभी इसमें मैंने रखी है ये वर्मेसिली दालें, पास्ता, सूजी, चावल और भी पीछे कुछ था, मैदा। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं जब तक मेरे पास कंटेनर्स नहीं आ जाते। जब आ जाएंगे तो फिर मैं उसमें डाल दूँगी। तो फिलहाल मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा वाटरमेलन खा रही हूँ, ये लो। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी ग्रॉसरी स्टोर कर लेती हूँ। अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग है, आटा, घी, चीनी और मेन जो चीज़ें हैं, दूध वगैरह। तो ये चीज़ें तो अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। चिकन तो अभी मेरे पास मोर देन इनफ है, कीमा वगैरह भी आएगा, चपली कबाब भी हैं, सीख कबाब भी आएंगे और कुछ फ्रोज़न चीज़ें, चंक्स, मटर शटर, ये चीज़ें भी आएंगी। तो बाकी जो सब्ज़ी है, आई थिंक टमाटर और प्याज वगैरह, तो ये चीज़ें शायद और आ जाएँ महीने में, इसी मंथ में, क्योंकि ये मसाला इन्हीं चीज़ों से बनता है तो ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो बाकी जो सब्ज़ी अगर कभी भी हमने खानी हो तो वो डेली फ्रेश ही आती है, तो वो सब्ज़ी आएगी और आई थिंक बाकी सामान तो कंप्लीट है। तो अभी के लिए आई थिंक मैंने जितना भी दिखाया इट्स मोर देन इनफ, और मैं दिखाते भी इतना थक गई हूँ, मेरी कुछ रात से भी नींद नहीं पूरी, तो सर मेरा बड़ा दुख रहा है। तो अब मैं रेस्ट करूँगी एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लोगों के साथ शेयर भी करें मेरा चैनल, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, और लाइक भी करें मेरी वीडियो को। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।